पर पकोड़े बनेंगे और पूरी बनेंगे, और यहाँ पे गांव के लिए, गांव में सभी के लिए बोल रखा है कि पूरी और पकोड़ी और रोटियाँ बनेगी, सब पूरे गांव वाले मिलके बनाएंगे और वहाँ पर प्रधान खाओ में देंगे। मतलब ये रीति रिवाज ही है यहाँ का कुछ, और पूरे गांव वाले बनाएंगे 12 पूरी और 12 रोटी, पूरे गांव वालों को बोल रखा है। तो यहाँ पे हमने भी पूरी पकौड़ी बना दी और 12 रोटी भी बोल रही है। नमस्ते, प्रणाम, खूब छीन आप लोग, और मैं भी ठीक हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ एंड मस्त होंगे। और हम जा रहे हैं आज पनौ देवता देखने सुबह सुबह, और सभी चले गए हैं और मैं और लच्छी रह गए हैं। बनाई हमने सुबह सुबह 12 पूरी और 12 रोटी बनाई है, और पूरे गांव के लिए बोल रखा था कि 12 पूरी और 12 रोटी बनानी है और पकोड़े भी बनाने हैं उसमें। तो हमने सब कुछ बना के थैले में रखा है और थाली ले जा रहे हैं पंडो देवता के खोल में, और पहुंच चुके हम जहाँ पर पांडव नृत्य हो रहा है, वहाँ पे पहुँच चुके हैं हम। और देखो यहाँ पर शुरू हो गया है पांडव नृत्य, और यहाँ पर आज देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है, और सभी जगह के लोग आ रखे हैं यहाँ पर। तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ पर आज पांडव नृत्य का समापन है।
और यहाँ पर सारे गांव वाले दिया और पूरी और फल फ्रूट थाल में लाकर पेड़ के नीचे, जो मोरी का पेड़ है उसके नीचे रखते हैं। और यहाँ पर हम सभी फिर गांव वाले, पूरे गांव वाले मिलकर पेड़ की पूरी परिक्रमा करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर नारायण भगवान जी, सबसे पहले नारायण भगवान जी चढ़ते हैं पेड़ में, और यहाँ पर जो ऊपर सब सबों को फल प्रसाद के रूप में पूरे भक्तजनों को बांटते हैं। पहले यहाँ पर सबसे पहले नारायण जी जाते हैं। और यहाँ पर भगवान जी सभी भक्तजनों को आशीर्वाद देते हुए यहाँ पर भगवान जी फल फेंकते हुए ऊपर से, और भक्तजन प्रसाद के रूप में फलों को ग्रहण करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुझे यहाँ पर का दृश्य भी बहुत सुंदर लगता है। मतलब जो यहाँ पर होता है, ऊपर से भगवान जी फल फेंकते हैं और नीचे से, मतलब हर किसी के किस्मत में जाता है। तो ये किस्मत वाली बात होती है कि हर किसी के किस्मत में यहाँ पर फल मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो मतलब हर कोई सोचता है कि मेरे हाथ में आए, हर कोई सोचता है मेरे हाथ में आए, पर यहाँ पर लक वाली बात होती है, हर किसी के हाथ में नहीं जाता, किसी किसी के हाथ में फल आता है। तो आप वीडियो को देख के पता चल जाएगा आपको। और यहाँ पर जिसके हाथ में फल गिरता है, सच में बहुत खुश होते हैं। मतलब एक खुशी सी होती है कि मेरे, मुझे भी भगवान ने प्रसाद, भगवान का प्रसाद मिला है। जैसे एक दूसरे को मिलता है तो देखो बताते हैं कि देखो मुझे भी मिला है, तो मन में एक बहुत खुशी सी होती है कि मुझे भी प्रसाद मिला है। मतलब ऊपर से भगवान फेंकते हैं और इतनी बड़ी जनता के बीच में एक फल को पकड़ना, मतलब बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार, मुझे भी भगवान ने प्रसाद दिया। तो अपने प्रसाद को यहाँ पर ग्रहण करते हुए बहुत अच्छा लगता है।
यहाँ पर कृष्ण भगवान जी और पेड़ से नीचे उतरते हैं और इसके बाद हनुमान जी जाते हैं नटखट अदाओं में भी। हनुमान जी भी अपने जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हो अब हनुमान जी चढ़ रहे हैं पेड़ में और हनुमान जी का अद्भुत दृश्य देख सकते हो आप यहाँ पर। अब हनुमान जी फेंकेंगे ऊपर से प्रसाद और पूरी भक्तजन बड़ी उत्साह से देख रहे हो, कितनी उत्साह हो रखी है सभी भक्तजनों के मन में कि अब हमें भगवान जी हनुमान जी का प्रसाद ग्रहण करने को मिलेगा यहाँ पर। और हर पूरी जनता पूरी भक्तजन भगवान जी का प्रसाद ग्रहण करने के लिए बहुत उत्साहित है और सभी को यहाँ पर देखते हैं किस किस को मिलता है भगवान जी का प्रसाद। और यहाँ पर मेरे प्राणनाथ को भी बहुत बड़ा फल मिला है उनके चेहरे पर भी बहुत खुशी हो रखी कि मुझे भी फल मिल गया यहाँ पे। अरे यहाँ पर भी मुझे भी मिल रहा था पर क्या करें मेरे हाथ में मोबाइल था और जिस कारण से मेरे हाथ से छूट गया। को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और ये है पार्ट 1 होगा क्योंकि अब मुझे लग रहा है बहुत बड़ी वीडियो बनेगी।